भाई और बाप का जिसके मन के अंदर अहंकार आ जाएगा, वो अहंकार का नाश ये जनता रूपी भगवान करते हैं और उसकी आभास उनके विधायकों के माध्यम से हो रहा है। उनके विधायक उस परिवारवाद वंशवादी भ्रष्टाचारी जमींदारी मानसिकता से मुक्त हो रहा है। जो विधायकों को सम्मान नहीं करना, विधायिका का हमेशा अपमान और तिरस्कार करना। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। महागठबंधन के जो विधायक हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, इसको लेकर आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि जो आरजेडी के विधायक हैं वो वंशवाद से अलग होना चाहते हैं। आरजेडी सिर्फ वंशवादी पार्टी है, वो परिवार के लिए जानती है और भ्रष्टाचार करना आरजेडी का सिर्फ काम बच गया है। क्या कुछ कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। लाभार्थियों तक मिलने के अभियान है सर, पूरे बिहार में 81 लाख के करीब जो है लाभार्थी। देखिए मैं बता दूं कि पहली बार देश के अंदर जो गरीबों की चिंता किया, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति के उदय का, उस तक प्रकाश पहुंचाने का, उसके समस्याओं के समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो भी संकल्प लिए उसको साकार किए, जो गारंटी दिए उसको पूरा करने का प्रयास किए और जो वंचित रह गया है उस तक हम लोगों के माध्यम से वो गारंटी पूरा करने का आगे का अभियान भी है। और आज लाभार्थियों से मिल करके उसके भावनाओं को जानने का, उसके अंदर और बेहतर संकल्प को साकार करने की वातावरण बनाने का अभियान शुरू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर के हुआ है। हर लाभार्थी के चेहरे पर जो मुस्कान, जो उत्साह, जो संकल्प दिखाई पड़ रहा है, यही विकसित भारत, विकसित बिहार बनाने का सपना साकार करेगा। मोदी ने खेला है, गठबंधन के नेताओं पर चला है मोदी ने। खेल से पहले विकेट सर लगातार गिरते जा रही है आरजेडी के, आरजेडी विधायकों का। खेला की बात जो कही थी तेजस्वी ने, लगातार विकेट उनके विधायकों का गिराते जा रहे हैं, जो आपने मिलते जा रहे हैं। देखिए जब नीयत में खोट हो और जब ये मन के अंदर अहंकार आ जाए कि हम दो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माता और पिता हैं, माई और बाप का जिसके मन के अंदर अहंकार आ जाएगा, वो अहंकार का नाश ये जनता रूपी भगवान करते हैं और उसकी आभास उनके विधायकों के माध्यम से हो रहा है। उनके विधायक उस परिवारवाद वंशवादी भ्रष्टाचारी जमींदारी मानसिकता से मुक्त हो रहा है। जो विधायकों को सम्मान नहीं करना, विधायिका का हमेशा अपमान और तिरस्कार करना, बंधुआ मजदूर के तरह उसके साथ व्यवहार करना, उस बंधन को तोड़ रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तमाम विकारों से मुक्त होकर, सभी बंधनों से मुक्त होकर, हर विधायक भी चाहता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो। जनता के प्रति जो वादा करके आए हैं, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और संविधान में जिसको विश्वास नहीं है, जिसको परिवारवाद में विश्वास है, उससे वो मुक्त हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी पार्टी कुछ नहीं कर रही, लेकिन कोई स्वेच्छा से आता है कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को, बिहार को मजबूत करना चाहते हैं, तो हर माँ भारती के संतान का हम स्वागत करेंगे जो सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेना चाहता है। और विधायक आने वाले हैं विजय, मैंने कहा संख्या, मैंने कहा है कि देश के अंदर विकसित भारत बनाने का, विकसित बिहार बनाने के प्रधानमंत्री जी का महामंत्र, सबका साथ सबका विकास ग्रहण करने का जो भी संकल्प लेगा, हम उसको गले लगाएंगे। भारत माता के हर संतान को सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ाने का, बिना भेदभाव के। महारैली से पहले टिकट मांगने वाला से टिकट मांग रहे हैं, महारैली से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे नीतीश जी। आपको जानकारी है, हमें जानकारी से पहले।